خلق الانسان من عجل كان الانسان عجولا انسان جلد باز ہے كان الانسان كفورا انسان ناشکرا ہے كان الانسان قصورا انسان بخیل کنجوس ہے كان الانسان اكثر شيء جدلا انسان بڑا جھگڑا لو یہ بنانے والا ہمیں بتا رہے ہیں मुझे सारा पता है कि अंदर है। और इन्नल इंसान खुलका हलुआ बेसब्रा इला मस्सहु शर्र जजुआ जजा फजा करे कोई तकलीफ है इला मस्सहु खैर मनुआ चार पैसे इकट्ठे हो जाए तो जोड़ने का चक्कर लग जाए और जमा करने के चक्कर में पड़ जाए। इंसान को अल्लाह ताला ने जिन कमियों के साथ पैदा किया है ये अल्लाह ने कुरान में बताई है। तो दूसरी जो कमी है बहुत बड़ी वो है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला कि ये ज़ालिम भी है जाहिल भी है। आपको कोई कहे कि ये डॉक्टर बड़ा जाहिल है आप उससे इलाज कभी नहीं कराएंगे। कोई आपसे कहे ये वकील बड़ा जाहिल है तो आप उसके सामने अपना मुकदमा नहीं पेश करेंगे। जल्दबाज है बड़ा झगड़ालू है बड़ा जाहिल है तो आप अपने घर का नक्शा उससे नहीं बनवाएंगे कोई तामीरी काम उससे नहीं लेंगे। इंसानी इल्म नाकिस है नाकिस असल इसकी जहालत है इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। और अगर कोई जोर मारे पढ़ ले के कुछ पढ़ ले तो उसको अल्लाह कहता है वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला कि हमने तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया है। और जब कोई कहता है ना ये पीएचडी डॉक्टर है तो बहुत बड़ा डॉक्टर है बहुत बड़ा साइंसदान बहुत बड़ा आलिम बहुत बड़ा वकील इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सारा कुछ जान गया है बल्कि इसका मतलब ये होता है कि कुछ 150 से ज्यादा जानता है वरना खुद ये जाहिल ज्यादा है और जानने में आलिम थोड़ा है। बड़ा जो डॉक्टर होता है वो 200 डॉक्टरों से ज्यादा जानता है खुद अपनी जात में वो डॉक्टर के बारे में आलिम थोड़ा है जाहिल ज्यादा है। सारी बात का खुलासा ये है कि इंसान अपनी असल में जाहिल है कमजोर है जल्दबाज है। तो ये अगर अपनी अकल पे चलेगा तो हलाक हो जाए खुद अपने फैसले करने लग जाएगा तो हलाक हो जाए। अब आप दुनिया में गौर फरमाए हमारे पेट में दर्द हो तो कोई इंजीनियर नहीं कहता मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूँ अपने पेट के दर्द का खुद इलाज करूंगा वो डॉक्टर के पास जाता है। किसी वकील की दीवार गिर जाए कोई ये नहीं कहता मैं इतने इतने बड़े मेरे मुकदमे जीत लिए तो मैं अपनी दीवार भी मना लूंगा वो किसी इंजीनियर के पास जाता है। और वकील के सर में दर्द हो जाए तो वो खुद अपने अपने स्थिति स्कैन नहीं करता वो किसी डॉक्टर के पास जाता है फिर खुद डॉक्टर डॉक्टर वो फिजिशियन है गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है उसके कान में दर्द हो जाए तो खुद अपने इलाज नहीं करता वो कहता मैं तो कानों का डॉक्टर हूँ ही नहीं मैं तो आंखों का डॉक्टर हूँ वो किसी कानों वाले डॉक्टर के पास जाता है। एक शोबे से आदमी है एक शोबे से आदमी है वो अपने इलम पर एतमाद नहीं करता। तो पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास गए वकील मुकदमा कोई बना तो वकील के पास गए दीवार चढ़ी हुई तो इंजीनियर के पास गए छोटे छोटे मसले हैं मेरे भाइयों कितना बड़ा मसला है जन्नत और दोजख का कि मेरा ये वजूद ठीक चले इसमें टेढ़ापन न हो मेरे दिल में दर्द न हो दुनिया की मोहब्बत का वो दर्द नहीं दूसरा मेरा दिल टेढ़ा न हो जाए जैसे घर की दीवार टेढ़ी हुई तो इंजीनियर के पास गए और किसी से लड़ाई हो गई तो वकील के पास गए अब यहाँ बहुत खौफनाक लड़ाई है शैतान के साथ उसको खुद ही हल करने की कोशिश कर रही और दिल टेढ़ा हुआ पड़ा है उसको खुद ही सीधा करने की कोशिश कर रही और दिल में दर्द भर चुका है दुनिया की मोहब्बत का उसका इलाज खुद करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि मैं पहले कह चुका हूँ कि हम जाहिल भी हैं जल्दबाज भी हैं कमजोर भी हैं लड़ाके भी हैं जालिम भी हैं बखील भी हैं बेसब्र भी हैं नाशुक्र भी हैं
तो हम हर हाल में मोहताज हैं किसी की राहबरी और रहनुमाई से, मोहताज हैं, और वो अल्लाह है। जाहिल का काम क्या है? पढ़े लिखे से जुड़ जाए। दुनिया के सारे इंसान जाहिल हैं, इलम सिर्फ अल्लाह का है, जो अपने इलम में कामिल है, जिसके इलम की ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम, तीन की बात को चौथा सुनता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, पांच की बात को वो छठा सुनता है। वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, कम हो ज्यादा हो वो सबकी सुनता है। अयनमा तकूनु, तुम जहां मर्जी हो। वहुवा मआकुम, अयनमा कुंतुम, तुम जहां मर्जी चले जाओ वो तुम्हारे साथ होता है। फअसिर्रु क़ौलकुम अबजहरु बिह, इन्नहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर, तुम जोर से बोलो, तुम आहिस्ता बोलो, वो तुम्हारे दिलों के भेद को भी सुनता समझता जानता है। सवाउन मिनकुम मन असर्रल क़ौल, आहिस्ता से बोला, व मन जहरा बिह, जोर से बोला, व मुस्तक़सिम बिल लैल, रात के अंधेरे में चला, व सारिबुन बिन नहार, दिन के उजाले में चला। हमारे अल्लाह का इल्म इतना कामिल है कि सब का सब उसकी नजर में है। यालम अददा क़तर अल अमतार, बारिश के कतरों की तादाद को जानो। अददा वरक अल अशजार, बारिश के दरख्त के पत्तों के दरख्त, पूरी दुनिया के दरख्तों के पत्तों की तादाद को जाना। मकाफील अल जिबाल, पहाड़ों के वजन को जाना। मकाइल अल बहार, समंदरों के पानी के वजन को जाना, नापा तोल के डाला। और अदद मा अज़लम अलैह लैल, जहाँ रात गई उसको जाना। अशरक अलैह नहार, जहाँ दिन चढ़ा उसको जाना। ला तुवारी मिन्हु समाउन समाअ, आसमान के नीचे की चीज उससे छुप नहीं सकती। वला अर्दुन अर्दा, जमीन के नीचे की चीज उससे छुप नहीं सकती। वला बहर माफी क़ारही, समंदर के अंदर की चीजें उससे छुप नहीं सकती। वला जबल माफी वारही, पहाड़ों के अंदर के खजाने उससे छुप नहीं सकते। और यरा जदी बन नमलत सौदा, अंधेरा हो काली रात हो और उस पर काली चिमटी काले पहाड़ पे हो। तो अब खुद मिसाल दे रहा है, खुद मिसाल दे रहा है। अहात बसरु हो बे जमीउल मरईआत, तुम्हारे अल्लाह के सामने हर चीज खुली पड़ी है। और यूं समझो, सयरा जदी बन नमलत सौदा, काली चिमटी, अला सखरत सम्मा, काली चट्टान, फिल लैलत ज़ल्मा, काली रात, कितना जमा हो गया, तीन अंधेरे। तो अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तीन अंधेरों में, काली रात में, काले पहाड़ पर काली चींटी को देखता है, चलने की आहट को सुनता है और उसके दिल की धड़कन को भी वो सुनता है। या मन जरा मद्दल जनाह बऊद फी ज़ुल्मत अल-लैल अल-बहीम अल-अलियली, आहा, ए वो ज़ात जो काली रात में काले मच्छर के पर के फैलाने और सुकड़ने को भी देख रहा है। उसने पर फैलाया, उसने पर को सुकड़ा, अल्लाह ताला ने उसको भी देखा कि मच्छर क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसका खून चूसेगा, कहाँ बैठेगा, सारा उसके इल्म में है। तो जिसे जहालत से निकलना है वो अल्लाह के इल्म के ताबे हो जाए, जिसे जहालत से निकलना है और मंजिल तक पहुंचना है तो वो अल्लाह के इल्म के ताबे हो जाए, पार निकल जाएगा, नहीं तो दरमियान में कहीं ना कहीं गिर के हलाक हो जाएगा। फिर हम कमजोर हैं, बहुत ही कमजोर हैं, बहुत ही कमजोर हैं। खाना ना मिले मर जाएं, पानी ना मिले मर जाएं, हवा ना मिले मर जाएं, जो सख्त संगीन बीमारी हो जाएगा मर जाएं, ऐसे कमजोर। चाय के मोहताज, नस्वार बीड़ी सिगरेट के मोहताज, तो मोहताज का क्या काम है? कमजोर क्या करे, ताकतवर के हाथ में हाथ दे के पार हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ताकत वाला अल्लाह, इन्नल कुव्वत लिल्लाह जमीअ, सारी ताकत अल्लाह की। इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सारा हुक्म अल्लाह का। अल्लाह का हुक्म कब से है? लिल्लाहिल अम्र, अल्लाह का अमर कब से है? मिन कब्ल, शुरू से, कब तक? मिन बादो, शुरू से लेकर आखिर तक। मिन कब्ल मिन बादो, ये अल्लाह की ताकत है। यूनसे कुछ समावात, आसमान को रोका हुआ है, वल अर्ध, जमीन को रोका हुआ है, अशम्स वल कमर वल नुजूम मुसख्खरात, सूरज को रोका हुआ है, चांद को रोका हुआ है, सितारों को रोका हुआ है, सजारों को रोका हुआ है, और सारी कायनात को चलाते हुए, सारी कायनात को, ये कायनात इतनी वसीय है कि 97% में रोशनी कोई नहीं, 97% में रोशनी कोई नहीं, और हम भी कायनात का हिस्सा है। 97% में रोशनी कोई नहीं, अंधेरा है, 3% रोशन है, 3% रोशन है, 97% में रोशनी कोई नहीं। जहां रोशनी कोई नहीं वहां का तो कुछ भी नहीं पता चल सकता, जहां रोशनी है वहां ये पता चला है कि उस 3% में कोई 10 खरब के करीब 10 खरब कहकशाएं गर्दिश कर रही हैं, और एक एक कहकशा में कई कई खरब सैयारे,
तेजी के साथ दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, उनकी रफ्तार इतनी तेज है। सिर्फ जो आपकी जमीन है ये 66,000 मील की घंटा की रफ्तार से घूम रही दौड़ रही है। मुमताजाबाद 66,000 मील की घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, मुमताजाबाद वालों को पता ही कोई, और 1,000 मील की घंटा की रफ्तार से घूम रहा है और हमें पता ही नहीं कि हमारा घर यूं घूमता है और हमें पता ही नहीं। इस निजाम को ठीक चलाना आप इसकी ताकत का अंदाजा लगाएं। सूरज 6,00,000 मील की घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, सूरज 6,00,000 मील की घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। फिर ये सौरांग निजाम है जिसके कशा में हम रहते हैं, जिसके कशा में हम रहते हैं वो 17 कहकशाओं का एक मजमुआ है। रात को आपको सफेद लकीर नजर आती है, ये हमारी कहकशाओं का हिस्सा एक हिस्सा है। और ये जो हमारी कहकशा है इसका फासला कितना है, अगर आप उसको यहाँ से यानी एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ तक अगर आप पहुंचना चाहें तो उसके लिए 20,00,000 नूरी साल, लाइट ईयर, 20,00,000 नूरी साल। 20,00,000 नूरी साल का क्या मतलब है कि रोशनी 1,86,000 मील प्रति सेकंड सफर करती है। कितना भाई? 1,86,000 मील प्रति सेकंड रोशनी सफर करती है। ये रोशनी एक सेकंड में चली 1,86,000 मील, फिर एक घंटा कितना हो गया, फिर एक साल। एक साल में एक दफा हमने हिसाब किया था तो 36 खरब मील चलती है रोशनी, 36 खरब मील। ये तकरीबन था इतने जरूरत तक को सही करने के लिए जितनी रियाजी चाहिए उतनी तो हमें नहीं आती थी, लेकिन अंदाजा ये था कि 36 खरब मील के करीब रोशनी एक साल में सफर करती है। अब आप एक साल, 100 साल, 1,000 साल, 1,00,000 साल, 20,00,000 साल, 36 खरब को फिर आप 20,00,000 से जरब दें तो इतनी लंबी मसाफत सिर्फ आपकी कहकशां की है। और ऐसी 10 खरब कहकशाएं गर्दिश कर रही हैं और अल्लाह इतने ताकतवर है कि सारे निजाम को चलाते हुए न सोता है, न ऊंघता है, न थकता है, न घबराता है, न करवट बदलता है, न सांस लेता है और ना वो आराम करता है। सारे निजाम को चलाते हुए ला ताखुज़ुहु सिना, ऊंघता नहीं, वला नौम, सोता नहीं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, थकता नहीं, थकता नहीं। इस सारे निजाम को अगर अल्लाह ताला सूरज रोजाना एक सेकंड अपनी जगह से अपने वक्त से पहले निकले और एक सेंटीमीटर अपनी जगह से इधर हट जाए, रोजाना सूरज एक जगह से निकलता है और निकलने में पूरा वक्त है, पूरी जगह है, जो जगह जो वक्त है वहां से इधर हो जाए, एक सेंटीमीटर और एक सेकंड सिर्फ इतना फर्क पड़ जाए तो चंद हफ्ते में सारी कायनात आपस में टकरा जाएगी। और ये हमारा अल्लाह सारी इस कायनात को चलाते हुए मेरे भाइयों गलती से पाक है, खता से पाक है, थकन से पाक है, थकावट से पाक है, मुशीर से पाक है, वजीर से पाक है। उसका कोई वजीर नहीं, उसका कोई मुशीर नहीं, उसका कोई हाथ बताने वाला कोई नहीं, उसके कोई काम में हिस्सा डालने वाला कोई नहीं, ना वो बीवी, ना उसका बच्चा, ना उसका कोई बेटा, ना उसका कोई भाई, ना उसका कोई साथी, ना उसका कोई पहरेदार, ना उसका कोई मददगार। इस सारे निजाम को चलाने वाला वो अकेला अल्लाह है। सारी कुव्वतों का मालिक, युदब्बिरु अल-अम्र मिन अस-समाई इला अल-अर्ध, जमीन से लेकर आसमान तक सारी दुनिया के निजाम को वो चलाता है और हम उसके रहमो करम पर हैं। अब आप यूँ और फरमाएं, ये जमीन जा रही 66,000 मील प्रति घंटा और यूँ लोट पोट हो रही 1,000 मील प्रति घंटा, तो यहाँ इस पर लुढ़कते क्यों नहीं? तो सारे घर यूँ हो जाते, अरे यूँ हो जाते, ये जमीन थर थराती भी है, दौड़ती भी है, घूमती भी है। तो अल्लाह ने एक निजाम बनाया, जमीन में कशिश रखी जिसने हमें पकड़ लिया, ऊपर हवा का दबाव डाला जिसने हमें दबा दिया। हर इंसान के ऊपर 280 मन हवा का दबाव है भाई। आपने 280 मन बोझ उठाया हुआ है, मैं तो 2 मन नहीं उठा सकता, 280 मन हवा का दबाव है। इस हवा के दबाव को रोकने के लिए अल्लाह ने आपके अंदर 280 मन हवा के दबाव के प्रेशर को हटाने के लिए ताकत पैदा की हुई है। अगर आप इसी कपड़ों के साथ खला में चले जाएं, खला में, तो आपके जिस्म के अंदर की ताकत चीर के आपके टुकड़े टुकड़े कर दे, अंदर का प्रेशर है वो आपको फाड़ के रख दे। इसलिए ये लिबास तैयार करते हैं, खलाई लिबास,
एक अरब डॉलर में जाकर वो जोड़ा तैयार होता है जो खला में कहना जाता है, जो उसके अंदर वो 280 मन के प्रेशर को कायम करता है, तब जाकर ये इंसान अंदर सही चलता है। अगर आप खला में चले जाएं तो आपके अंदर का जो वजन है प्रेशर है यूं चीर के बाहर निकल जाए। आज ये सोरा हमारा अल्लाह का रहा, ऊपर से हवा ने दबाया, नीचे से जमीन ने पकड़ा। एक बार मैं लेटा हुआ था तो छत के लिए ना छत पे जा रहा हूँ, सोचने लगा अल्लाह की कितनी कुदरत है, ये उल्टी चलती है सब गिरती नहीं, उल्टी होगी ना। थोड़ी देर मुझे ख्याल आया कि मैं भी तो उल्टा हूँ भाई, ये जमीन और ये मैं बैठा हूँ, हम सब उल्टे बैठे हुए हैं, हमारा सर हवा में है और हमारे पांव हमारे जमीन पर हैं, हम यूं बैठे हुए हैं, हवा में हम भी लटके हुए हैं, हवा में हम लटके हुए हैं। अगर अल्लाह जमीन की कशिश को वापस ले ले, बस और कुछ न करे, मुमताजाबाद की फैक्ट्रिया में चले, लूमे में चले, दुकाने भी चले, उनका ये नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, कमाते हैं तो खाते हैं, मियाँ नहीं कमाएगा तो बीवी खाएगी कहाँ से, बच्चों को रोटी कहाँ से देगा। अच्छा भाई जाओ खूब कमाओ, ऐ जमीन हमारी कशिश हमें वापस कर दो, अल्लाह एक रकम दे दे, तो पता क्या होगा। कभी आपने देखा किसी बच्चे के हाथ से गैस वाला गुब्बारा जब छूटता है वो कैसे हवा में उड़ते, तो जब अल्लाह ताला जमीन की कशिश को वापस लेगा ना तो इस जमीन ने हवा को रोका हुआ है, हवा को खींचा हुआ है, तो एकदम हवा उठ जाएगी ऊपर, और हवा भी उठ गई नीचे की पकड़ भी गई, तो आप गैस वाले गुब्बारे की तरह यूं जा रहे, वो जा रही बेगम साहब उसकी, वो शेख साहब गए, वो पकड़ो शेख साहब को, वो तो गए शेख साहब भी गए, बेगम साहब गई और इस साहब भी गए, हजरत साहब भी गए, मस्जिद भी गई, मुमताजाबाद भी गए, सब ऊपर जाएगा, ये यूं चल जाएंगे। और जमीन जो है वो 6000 मील की घंटा की रफ्तार से सूरज की तरफ दौड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि सूरज जमीन को अपनी तरफ खींचता रहता है और जमीन अपनी कशिश से उसकी ताकत को तोड़ती रहती है, जिससे इनमें एक मकनातीसी कैफियत पैदा हो गई है, एक फासले के साथ अल्लाह इनको चला रहा है। अल्लाह की ताकत तो देख, हम तो एक साइकिल ठीक नहीं चला सकते, देखते देखते टक्करें हो जाती हैं, देखते सामने देखते खुली सड़क पड़ी हुई, मतलब रश हो खुली सड़क पड़ी हुई और दर्ज और इतने करोड़ों खरब हर खरब सैयारे और ऐसी बिजली की तेजी की तरह घूम रही थी और इतने लंबे चौड़े हैं कि जिसकी लंबाई चौड़ाई को अल्लाह के सिवा को नहीं जानता, वो सब तेजी के साथ दौड़ते हुए यूं एक दूसरे को पार करके निकल जाते हैं और कभी किसी में टकराव नहीं होता, कहीं में टकराव नहीं होता। अगर तुम नहीं करा तो मैं तुम गिलास लेके बैठा, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों अल्लाह के बगैर हमारा चारा कोई नहीं, हमारा चारा कोई नहीं। तबलीग का जो काम हो रहा है इसमें कोई फलसफा ज्ञान नहीं हो रहा, इसमें दो बातों की मेहनत हो रही, हर मुसलमान मर्द औरत अल्लाह के हुक्मों का पाबंद बन के चले। इंसान अपनी जरूरतों से मजबूर है, इज्जत भी चाहता है, जिल्लत से बचना चाहता है, रिज़्क़ चाहता है, आफियत चाहता है, जिंदगी चाहता है, हिफाजत चाहता है, इन सारी चीजों के लिए अस्बाब इख्तियार करता है। एक सबब हजरत अली ने बताया, एक सबब हजरत अली ने बताया, वो क्या बताया, मन अराद इज्जम बिला अशीरा व गनम बिला माल व हैबतन बिला सुल्तान व वजाहतन बिला इख्वान फलयखरुज मिन ज़िल्ल मअसियतिल्लाह इला इज्जतिल्लाह। जो इज्जत चाहता हो खानदान कोई नहीं, जो गिना चाहता हो पैसा कोई नहीं, जो रोब दबदबा चाहता हो ताकत हुकूमत कोई नहीं, जो अपनी शराफत और वजाहत चाहता हो कोई साथ देने वाला कोई नहीं, तो कोई है जो ये ना चाहता हो, आप नहीं चाहते, मैं तो चाहता हूँ, इंसानी फितरत है ये, इसे कैसे मिले, चाहता इज्जत भी हो घिना भी हो वजाहत भी हो हैबत भी हो, हर मर्द औरत ये चाहता है। तो क्या बताया, ये सारी दुनिया इसी के मशवरे कर रही है, लेकिन ये तो सब जाहिल है, एक जाहिल की गलती थोड़ी होगी और 10 जाहिल इकट्ठे हो जाएंगे तो गलती ज्यादा हो जाएगी, 100 जाहिल इकट्ठे होंगे तो गलती और ज्यादा हो जाएगी। इल्म तो ये है जो अल्लाह के रसूल से मिला है, जो खता से पाक है। तो हजरत अली क्या फरमा रहे हैं कि भाई जो इज्जत चाहता हो खानदान नहीं, जिना चाहता हो पैसा नहीं, हैबत चाहता हो हुकूमत नहीं, वजाहत शराफत चाहता हो कोई मददगार नहीं, तो क्या करे, फलयखरुज़ वो ये करे कि अल्लाह की ना फरमानी को छोड़कर अल्लाह का फरमा बरदार बन जाए, सब कुछ मिल जाएगा सब कुछ। ये हम इस तबलीग की मेहनत में ये एक बात कह रहे हैं।
कि भाइयों दुनिया और आखरत के मसाइल का हल ना पैसे में है, न कमाई में है, न डिग्री में है, न ओहदे में है, न ज़राअत में है, न तिजारत में। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पालने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई काम बनाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इज्जत देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई जलील करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मोहब्बत देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नफरत लाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई अमन देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई जंग लाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हिफाजत करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई कुशादगी करने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई तंगी लाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई कामयाब नहीं करता, अल्लाह के सिवा कोई नाकाम नहीं करता, अल्लाह के सिवा कोई ऊंचा नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई नीचा नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई महंगाई नहीं ला सकता, अल्लाह के बगैर कोई अरजानी नहीं ला सकता। सस्ता चीजों का सस्ता होना अल्लाह के हुक्म से, चीजों का महंगा होना अल्लाह के हुक्म से, इज्जत का मिलना अल्लाह के हुक्म से, जिल्लत का मिलना अल्लाह के हुक्म से, जिंदगी का आना अल्लाह के अमर से, मौत का आना अल्लाह के अमर से, जंग का आना अल्लाह के अमर से, अमन का होना अल्लाह के अमर से, कौमों का उरूज अल्लाह की चाहत से, कौमों का जवाल अल्लाह की चाहत से, जमीन की गर्दिश अल्लाह के हाथ में, आसमान की बुलंदी अल्लाह के हाथ में, हवाओं की गर्दिश अल्लाह के हाथ में, पानी की रवानी अल्लाह के हाथ में और उसकी फैलानी अल्लाह के हाथ में, पहाड़ों की सख्ती अल्लाह के हाथ में, जमीन की कसाफत अल्लाह के हाथ में, फरिश्तों का नूरी होना अल्लाह के इरादे से, हमारा खाफी होना अल्लाह के इरादे से, जिन्नों का नारी होना अल्लाह के इरादे से, हमारा दो टांगों से चलना अल्लाह के इरादे से, शाम का बगैर टांगों के चलना अल्लाह के इरादे से, चौपाए का चार पाए को चलना अल्लाह के इरादे से, परिंदों का हवा में उड़ना अल्लाह की चाहत से, चांद की ठंडक अल्लाह के इरादे से, सूरज की तपिश अल्लाह के इरादे से, सितारों की झिलमिलाहट अल्लाह के इरादे से, मेरे सांस के तार का जुड़े रहना अल्लाह के इरादे से, आंखों के नूर का चमकते रहना अल्लाह की चाहत से, कानों का टेलीफोन सही सुनते रहे अल्लाह के इरादे से, दिल की धड़कन सही चले, मेरा तो दिल पे कब्जा है, अल्लाह भड़का रहा है तो भड़क रहा है, वो बंद कर दे तो गया नंगल दे गया, अल्लाह भड़का रहा वो धड़क रहा, अल्लाह दिखा रहा देख रहे, अल्लाह सुनवा रहा सुन रहे, अल्लाह दिलवा रहा बोल रहे, अल्लाह खिला रहा खा रहे, अल्लाह पिला रहा पी रहे, अल्लाह सुला रहा सो रहे, सोते को अल्लाह ना खाए तो कौन खाए, अल्लाह उठा रहा तो उठ रहे, अल्लाह दे रहा तो ले रहे, सॉरी जब अल्लाह के हाथ में है, ये तो मैंने जबानी कहा, अल्लाह की किताब को सुन लो, इन सारी बातों को आप अल्लाह के कुरान से सुन लें, कि भाई मेरी सिर्फ अपनी बात नहीं है, तो तिल मुल्क मन तशा जिसको चाहे मुल्क दे, तंजिल मुल्क मिम्मन तशा जिसको चाहे वापस ले ले, वतु इज्ज मन तशा जिसको चाहे इज्जत दे, वतु ज़िल मन तशा जिसको चाहे जलील करे, वतर्ज़ुक मन तशा जिसको चाहे जितना दे, यबसुतु रिज़्क लिमन यशा जिसका चाहे खोल ले, वयक़दिर जिसका चाहे तंग कर दे, अमाता व अहया जिसको चाहे मौत दे दे, जिसको चाहे जिंदा कर दे, अदहका व अबका जिसको चाहे खुश कर दे, जिसको चाहे गमगीन कर दे, जिसको चाहे खुश कर दे, जिसको चाहे गमगीन कर दे, युरसिलु रियाहा हवा उसके काबिल, हुवल्लज़ी सख़्खरा अल-बहर समंदर उसके काबिल, सख़्खरा लकुम अल-अनहार दरिया उसके काबिल, वल-जिबाल अरसाहा पहाड़ उसके काबिल, अख़रज मिन्हा माअहा जमीन का पानी उसके काबिल, वल-अर्ज़ बादा ज़ालिका दहाहा जमीन उसके काबिल, अख़रज मिन्हा माअहा व मरआहा जमीन का पानी और चारा उसके काबिल, वल-अनआम खलक़हा चौपाए उसके काबिल, अवलम यरौ इलत्तैर फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न परिंदे उसके काबिल, जाअल अल-मलाइका उली अजनहतिन मस्ना व सुलासा व रुबाअ फरिश्ते उसके ताबे, उम्मत सवाल अर्श अर्श उसके नीचे, खलक सब आसमावात इंतबाका सात आसमान उसके हाथ में, यतनज़्ज़ुल अल-अम्रु बैनहुन्ना सातों आसमानों में हुक्म उसका चलता है, जमीन में हुक्म उसका चलता है, अल-अर्ज़ जमीन कब्ज़तुहु जमीन उसके मुट्ठी में, यौम अल-क़ियामा वस्समावात मतवियातुन बियमीनिही आसमान उसके हाथ में। ये सारी आयात ने क्या बताया कि सब कुछ अल्लाह के हाथ में, إن الأمر كله لله إن القوة لله جميعا إن العزة لله جميعا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين और अगली सुन, वहीं मिन शय इल्ला इंदना खजाइनहु खजाने तो मेरे हाथ में है, मेरे बगैर कैसे लोगे, इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु गैब के खजाने के चाबियां अल्लाह के हाथ में है, वो ताला ना खोले तो कैसे लोगे, वो कैसे लोगे, वहीं मिन शय इल्ला इंदना खजाइनहु सब चीजों के खजाने मेरे हाथ में, सब खजानों की चाबियां अल्लाह के हाथ में, कुल मन अल अर्द व मन फीहा अल्लाह ताला चैलेंज करता है, बताओ जमीन किसकी है, जो कुछ जमीन में किसका है, सयकूलूना लिल्लाह कहेंगे अल्लाह का है, कलकता सला तज़क्करून सर तुम मुझे याद क्यों नहीं करते हो, सर ये क्यों कहते हो कि एनटीए साहब काम बना देंगे, एमएनए साहब काम बना देंगे, अरे जालिम ये क्यों नहीं कहता कि अल्लाह काम बना देगा, अल्लाह से नाम लो अल्लाह काम बना देगा,
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, ان سے پوچھے سو تو آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے, تو یہ سارے کہیں گے سیقولون للہ, اللہ ہے اللہ, تو افلا تتقون, پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ ممتاز آباد کے کھانے وال کا تو ڈر لگتا ہے, اللہ پاک سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ملتان کے ایس پی سے تو ڈر لگتا ہے, اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قل من بيده ملكوت كل شيء, کس کے ہاتھ میں ہے کائنات کی حکومت؟ وہ یجیر ولا یجار علیہ, وہ جس پر ہاتھ رکھ دے کوئی اس کے ہاتھ ڈال نہیں سکتا, وہ جس سے ہاتھ کھینچ لے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا, وہ لوگ کون ہے؟ تو کہیں گے سیقولون للہ, کہیں گے اللہ ہی ہے, تو اللہ کہتا فأنا تسحرون, تو میرے بندوں تمہیں کس نے جادو کر دیا؟ فأین تذهبون إنا توفقون افلا تعقلون افلا یعقلون افلا تتفکرون افلا یتفکرون. اس قرآن کا انداز سنو جیسے کوئی مانی ہوتی ماں تو بچہ الٹا ہو جائے نا, پٹھا ہو جائے, آوارا ہو جائے, تو ماں اس کو بڑے دکھ سے کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو, کیوں کر رہے ہو؟ جو اس ماں کے لہجے میں درد ہوتا ہے نا اور ایک محبت ہوتی ہے, وہ ہے اس میں فأین تذهبون, میرے بندے کہاں جا رہے ہو, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ اب میرا بچہ تو سمجھتا کیوں نہیں, ماں ٹنگ رہا کہ بیٹا تو سمجھتا کیوں نہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا افلا تعقلون, میرے بندے تم سمجھتے کیوں نہیں؟ جیسے ماں کہتی میرا بیٹا میں نے تجھے پال پوس کے پروان چڑھایا, کیا یہی بدلا ہے کہ آج تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے؟ کیا تجھے میرا دودھ پلانا بھول گیا؟ میرا راتوں کو جاگنا تیرے لیے تجھے بھول گیا؟ تیرے لیے راتوں کو رو رو کے تیرے لیے دعائیں مانگنا تجھے بھول گیا؟ یہی اس کو اب اللہ کی زبان میں سنو, یا ایھا الانسان, اے میرے پیارے بندے, ما غرک بربک الکریم, تجھے اپنے رب سے کس نے دھوکا دے دیا؟ اور میں نے تو تجھے پالا بے رب الکریم, بڑے کرم کے ساتھ, میں کرم والا, الذی خلقک, میں نے تجھے بنایا, فصوراک فعدلک, تجھے بہترین بنایا, فی ای صورت ما شاء رکبک, تو تجھے خوبصورت شکل دی, میرا بندہ تو کیوں میری نافرمانی کرتا ہے؟ جو پیار ایک ماں کے لہجے میں ہوتا ہے اپنے بچے کو سمجھانے میں, وہی پیار اس سے کروڑوں گنا زیادہ پیار اس آیت میں ہے, ما غرک بربک الکریم, کس نے تمہیں اپنے رب سے دور کر دیا؟ تو میرے بھائی اور بہنوں, تبلیغ کوئی جماعت نہیں, تبلیغ اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنے اللہ سے جی لگا لے, کام جو وہیں سے بنتا ہے, کام جو وہیں سے بنتا ہے, اس کے بغیر کام کون بنائے گا؟ تو اللہ کو ساتھ لے لو گھر, وہ ساتھ ہو گیا سارے کام, آگے سمندر میرا رب میرے ساتھ ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, اللہ کو ساتھ لے لو. اب بالکل نقشہ میں آپ تصور کریں, پیچھے فرعون کی پوری فوج, کئی لاکھ کا لشکر, آگے بہارا اولزم سمندر, کون بچائے گا اور بچنے کی کیا صورت ہے؟ آگے جائیں تو ڈوبیں, پیچھے جائیں تو فرعون کی تلوار ہے, تو ظاہر کی آنکھ نے کہا مارے گئے, اب نہیں بچ سکتے. جس کو اللہ کی طاقت کا پتہ ہے وہ کہتا ہے ان معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ہے, دیکھو راستہ کہاں سے دیتا ہے, ابھی دے گا ابھی, تو یہ دین چلنے کا, فضرب بعصاک البحر, مارو لاٹھی سمندر پہ. اللہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا مارو لاٹھی فرعون کے لشکر پر تاکہ سارے مر جائیں, تو پھر اللہ کی قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ قدرت دکھانا چاہتا ہے نا, نہتوں کو کیسے کامیاب کیا جاتا ہے, لاٹھی مارو سمندر پہ, سمندر میں 12 راستے قائم ہو گئے, کلو فرق قد العظیم فکان کلو فرق قد العظیم, جیسے ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں ایسے سمندر کے ٹیلے کھڑے ہو گئے, 12 راستے, 12 قبیلے کا, چلو اب جو اندر گئے تو ایک دوسرے کا پتہ نہ چلے کون کہاں ہے, تو پھر اللہ نے ان پانی کے اندر کھڑکیاں پیدا کر دی, روشن دان بیچتے جا رہے, حال پوچھتے جا رہے, اتنے میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی آ رہا, ان کا وہ تو پیچھے آ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون, سمندر کو ایسے رہنے دو, جلدی نہ کرو, تم نکل جاؤ گے تو تمہارے سامنے ان کو ڈبو دوں گا. ان کو نکالا, جب فرعون کا پورا لشکر اتر گیا اور بنو اسرائیل سارے نکل گئے, تو اللہ کا حکم پھر متوجہ ہوا, سارے اندر, یہ اللہ کی طاقت ہے. اصحاب کہف گھروں سے نکلے, 20-25 سال کے نوجوان غار میں داخل ہوئے, اللہ نے سلا دیا اور 300 سال سوئے رہے, 300 سال کے بعد اٹھایا
ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना पेशाब, ना पखाना, ना बिच्छू ने काटा, ना सांप ने काटा, ना जमीन ने खाया। मैं 300 साल उनको पुराना कर सका, 300 अल्लाह की कुदरत देखू। एक तो उनको मरने नहीं दिया, दूसरी कुदरत के बाहर 300 साल और गार के अंदर अल्लाह ने टाइम को, टाइम का जो था ना अलग वो निकाल दिया, अंदर घड़ी को बंद कर दिया, स्टॉप वॉच। अंदर 300 साल नहीं गुजरे, बाहर 300 साल गुजरे और अंदर वही एक दिन गुजरा। तो जब वो उठे तो जो 25 साल का था वो 325 साल का नहीं था, वो उसी तरह 25 साल का था, 26 वाला 26 का था, 20 वाला 20 का था, 30 वाला 30 का था। और कहने लगे कम लगे सुनो भाई कितना सोए। एक ने कहा यौमन एक दिन, दूसरे ने कहा अल्लाह का बंदा एक दिन, अभी तो आए थे बाबा यौमन आधा दिन सोए हैं। उसका यही हुआ मेराज में, जब अल्लाह अपने हबीब को ले गया तो अल्लाह ताला ने दुनिया का टाइम का जो स्विच था वो ऑफ कर दिया और सौतों आसमानों की अर्श फर्श की सैर करवा के वापस घर में पहुंचा दिया, बिस्तर गर्मा गर्म, फिर घड़ी को चला दिया। और यही मैदान हशर में होगा, जो अर्श के नीचे होंगे उनको वो दिन लगेगा 2 रकात नमाज फजर की, और जो अर्श के बाहर होंगे उनको वो दिन लगेगा 50,000 साल का कान मकदार हो जमीला। क्या होगा? अर्श की तरफ स्विच ऑफ हो जाएगा, इधर घड़ी चलती रहेगी, इनको पता नहीं चलेगा 2 रकात जैसे इधर 50,000 साल गुजर रहे हैं। इससे एक और मिसाल समझो, एक आदमी रात को जाग रहा हो, उसकी रात गुजरती नहीं, और एक रात को सोए थे फजर की नमाज पढ़नी मुश्किल, यार अभी तो सोया था अभी उठा दिया, नहीं तो अभी तो सोया था और अभी उठा दिया, और जो जाग रहा है उसको एक एक मिनट मुश्किल मालूम हो रहा है। तो ये अल्लाह की कुदरत और ताकत है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई और बहनों अपने अल्लाह से जी लगा लो, मखलूक से जी न लगाओ, अल्लाह से जी लगाओ, अल्लाह के पास जाना है। और अल्लाह से जी लगाने और अल्लाह को साथ लेने का जो जरिया है वो तौबा है, कि हर मुसलमान मर्द औरत तौबा करे, अपने अल्लाह के सामने रो दे, या अल्लाह गलती हो गई माफ कर दे। और अल्लाह ताला की सुनाऊं, जब कोई मर्द औरत तौबा करता है तो सातों आसमान में लाइटें जलाई जाती हैं, सातों आसमान में चराग आता है। वो कहते हैं ये रोशनियां कैसी हैं? तो जवाब दिया जाता है, आज एक बंदे ने अपने मौला से सुलह कर दी, अल्लाह को इतनी खुशी हो, सुलह हो गई, हमारी सुलह हो गई। बनी इसराइल में एक नौजवान था, वो था ऐसे नाफरमान, उसको लोगों ने शहर से निकाल दिया, जंगल में जा पड़ा, वहां बीमार हो गया, मरने लगा। तो अल्लाह को कहने लगा, या अल्लाह अजाब देने से तू ज्यादा नहीं होता, माफ करने से तू कम नहीं होता, मुझे सब ने छोड़ दिया है, तू मेहरबानी कर दे मुझे माफ कर दे, तू ना मुझे छोड़। ये कह के मर गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा एक दोस्त जंगल में मर गया है, उसका जाके जनाजा पढ़ो और शहर में ऐलान करो, जो उसका जनाजा पड़ेगा उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। अब सारा शहर भागा हुआ आया, आके देखा तो वो बदमाश, तुम उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम ये आप क्या कह रहे हैं, उसको तो हमने शहर से निकाला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही था जैसे कह रहे हैं, ऐसा ही था, वाकई ऐसा था, लेकिन मौत के वक्त उसने मुझे इस बेबसी से पुकारा कि मुझे उस पर रहम आ गया। इसने दाएं देखा तो इसका कोई न था, न माँ न बीवी न भाई न बहन। फिर इसने दाएं देखा तो इसका कोई न था, न माँ न भाई न बाप न बीवी न बहन। तो फिर जब इसने देखा तो कोई भी नहीं, तो फिर इसने बेबसी में मुझे पुकारा कि या अल्लाह तू तो न छोड़, सब ने छोड़ दिया, ऐ मूसा तू बता क्या मेरी गैरत गवारा करती है कि ऐसी बेबसी के वाले मैं मरने वाले को मैं अकेला छोड़ दूं, मुझे मेरी इज्जत की पसंद, अगर उस वक्त मुझसे पूरी दुनिया के इंसानों की बख्शिश मांगता तो मैं सबको माफ कर देता। तो अल्लाह को माफ करना इतने पसंद है। मैदान हशर में अल्लाह ताला दो आदमियों को दो जख से निकालेगा, क्यामत के बाद दो आदमियों को दो जख से निकालेगा, फिर उनसे कहेगा चलो वापस चले जाओ, एक दौड़ लगाएगा, एक दौड़ लगाएगा और एक थोड़ा सा चल के फिर पीछे देखे, फिर चलेगा फिर पीछे देखे, अल्लाह दोनों को बुला लेगा, पूछेगा भाई तुमने दौड़ क्यों लगाई, तुझे पता नहीं आगे आ गया है? तो कहने लगा ये अल्लाह सारी जिंदगी तेरी ना फरमानी थी, उसी की वजह से दौड़ देखी, तो मेरे जी में आके चलो तेरे इस हुक्म को खुशी से पूरा कर दूं, शायद इसी पे तू राजी हो गए। दूसरे से पूछा अरे तू क्यों पीछे मुड़ के देख रहा था? कहेगा या अल्लाह मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा शक्ल जब एक दफा मुशक्कत से निकाल ले तो दोबारा मुशक्कत में नहीं डालता, इसलिए मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कब दोबारा वापस बुला ले, कैसा आ जाओ। चलो चलो फरमाया अच्छा चलो दोनों जन्नत में चले जाओ, जाओ चले जाओ। तो ये हमारे अल्लाह का मामला है अपने बंदों के साथ, अपने बंदों के साथ। मैदान हशर में एक आदमी की एक नीति कम पड़ गई, अल्लाह कहेगा जा एक नीति लिया जन्नत में तो तैयार हो जाए दोजख के लिए, वो सौरा मैदान हशर फिर मारेगा, एक नीति नहीं मिलेगी,
अब वो घबरा जाएगा, एक आदमी मिलेगा, भाई क्या हुआ? वो कहेगा भाई एक नेकी नहीं मिलेगी, ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा। वो कहेगा आपको जो खुशखबरी हो तेरा काम बन गया। उन्हें कहा वो कैसे? तो मेरे पास है ये एक, मेरे किस काम की, तेरा काम हो जाएगा। अब वो खुश खुश आएगा अल्लाह के पास, अल्लाह मेरा काम बन जाता। कैसे बन जाता? उसने कहा मेरे पास है, मैं देता हूँ। अल्लाह कहेंगे उसको बुलाओ, वो भी आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे भाई तुमने इसको क्यों वादा किया नेकी का, जबकि आज मान ही देती। तो कहेगा या अल्लाह मेरी है ये एक, मेरे को किसी काम के नहीं थे, मैंने सोचा तेरे बंदे का भला हो जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तू मुझसे बड़ा सखी बनना चाहता है, मुझसे बड़ा सखी आज कोई नहीं, चल तू भी जन्नत में चला जा। वकान अल्लाह गफूर रहीम, अहक मन ज़िक्र, अहक मन इबाद, अंसर मन इब्तिगा, व अरअफ मन मलह, व अजलद मन सुअल। ये अल्लाह का रसूल अल्लाह की तारीफ कर रहा है। व औसा मन अअता, انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب الشهيد وادنى حفيظ كنت دون النصوص اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مخضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم. يا الله ترسول ابن ربي تاريخ الرها هون تاريخ قابل تهم بي اللہ پاک سے محبت کریں، اس کی تعریف کریں۔ دیکھو ہمیں اپنے شعبے کے بارے میں تقریر کرنا آتا ہے، کپاس کے بارے میں کپاس والا بولے گا، گندم کے بارے میں گندم والا بولے گا، کپڑے کے بارے میں کپڑے والا بولے گا، لوہے کے بارے میں لوہے والا بولے گا، بیٹے کے بارے میں ماں بولتی جائے گی، ایک زیور کے اوپر ماں اور لڑکی بولتی جائے گی، عورت بولتی جائے گی۔ ایسے کہو بہن کو اللہ کا تو بتاؤ اللہ کیسا ہے، کیا جی مجھے تو آتا نہیں۔ جب شہر صاحب کو اللہ کا تو بچا، ان کا جو ہمیں تو پتا نہیں۔ اتنی بے وقت آئی کہ جس نے گندے پانی سے انسان بنایا، سورج کو دہکایا، چاند کو چمکایا، پانی کو بہایا، ہوا کو پھرایا، گنوں کو اگایا، پھولوں کو مہکایا، سب کچھ آپ کے لیے، اتنے بڑے موسم کی تعریف نہیں کر سکتے ہم؟ تو اللہ پھر ہمیں مخلوق کی تعریف سے لگا دے۔ اللہ کی تعریف کرنا سیکھو میرے بھائیو، جو اللہ کو سب سے پسند ترین عمل ہے۔ کہ اللہ کی تعریف کرے، اللہ خوش، اس وقت اللہ خوش ہو رہا ہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے، ہم سب کو اللہ خوش ہو رہا ہے۔ نہ فرشتے ہیں جو عرش تک پہنچے ہوئے ہیں، وہ خوش ہو رہے تھے، سارے بازاروں میں کپڑے کی آواز لگ رہی، لوہے کی آواز لگ رہی، گانے کی دعوت چل رہی، بدماشی کی دعوت چل رہی، یہاں اللہ کی بات چل رہی۔ تو اللہ کو ساتھ لے لو اگر مسئلہ حل کرنا ہے۔ اس کے لیے پہلا کام ہے توبہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھو، طریقہ سیکھو۔ آپ کی سنت پہ آؤ۔ دو جہان کا نبی بنایا، بحر و بر کا نبی بنایا، عرش و فرش کا نبی بنایا، زندہ اور مردہ کا نبی بنایا، تمام نبیوں کا، کوئی ایسا بھی نبی ہے نبیوں کا بھی نبی ہو؟ آپ نے کہا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ جب معراج کے لیے گئے ہیں، پرواز دیکھو اپنے نبی کی، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی اور بے ہوش ہو گئے۔ کہاں سے پڑی؟ عرش تور پر، تور سے آپ پر بے ہوش۔ اور ہمارے نبی کی سنو، وہ گئے بیت المقدس، پہلے قدم پہ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام استقبال کر رہے، دوسرے قدم پہ دوسرا آسمان، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا استقبال، تیسرے قدم پہ یوسف علیہ السلام کا استقبال، چوتھے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام، اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل نے کہا بس آگے میں نہیں جا سکتا، جو جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ تو عرش کے تخت آیا، تخت پہ بٹھایا، اور وہ گئے، عرش کے پردے بھی اٹھ گئے، دروازے کھل گئے۔ آج پہلی ہستی ہے جس کا عرش پہ قدم پڑا ہے۔ آج تک عرش کی سرزمین کو کسی نے چھوا نہیں۔ یہ آپ کے نبی کی پرواز ہے، اس کی سنت پہ چلے گئے تو یوں پرواز ہوگی، یوں اللہ ان کا لے آئے گا۔ اپنے نبی کے طریقے پر آ جائیں۔ اور پھر 70,000 پردے اٹھ گئے اور اللہ کو سامنے دیکھ رہے، اور اللہ کہہ رہے قریب آ جاؤ میرے حبیب، قریب آ جاؤ، ادھر نہیں قریب آ جاؤ، اور ادھر سے سلام علیہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری جان، میرا مال، میرا بول، میرا سب کچھ تیرے لیے۔ اوپر سے سلام آ رہا، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی ہے، اللہ نے کسی نبی کی قسم قرآن میں نہیں کھائی، آپ کی قسم کھائی۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون،
किसी की रिसालत को कसम नहीं खाई, आपकी रिसालत को कसम खाई। यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नक लमिन अल मुरसलीन, मुझे कसम है कुरान की आप मेरे रसूल हैं। किसी के अखलाक की कसम नहीं खाई, आपके अखलाक की कसम खाई। नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बमजनून व इन्नक लअजरन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, कसम है मुझे कलम और उसके लिखे हुए की ऐ मेरे नबी तेरे अखलाक बड़े आला हैं। आपको तसल्ली देते हुए कसम खाई। व दुहा वल लैल इज़ा सजा मा वज्जअका रब्बुका वमा क़ला, कसम है मुझे दिन की रात की तेरा रब तुमसे नाराज नहीं, तेरे रब ने तुम्हें छोड़ा नहीं। आपकी सफाई पेश करते हुए कसम खाई, आपकी सफल पेश करेगा। वन मौजूद ईवा हवा मा बल्ला साहेब वमा गवा, कसम है मुझे सितारे की जब वो चलता है मेरा नबी गुमराह नहीं, मेरा नबी रास्ते से हटा नहीं। अब आप फर्क महसूस करना है। अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा ला तत्तबि अल हवा, ऐ दाऊद तो खलीफा है तो ख्वाहिश की गुलामी न करना। और अल्लाह ने अपने नबी की सफाई पेश की और कहा वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी ख्वाहिश का बोल भी नहीं बोलता। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की रब्ब शराह ली सदरी, या अल्लाह मेरा सीना खोल दे। अल्लाह ने अपने हबीब को बिन मांगे फरमाया अलम नशरह लक सदरक, ऐ मेरे हबीब मैंने तेरा सीना खोल दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की वजअल लि लिसान सिदकन फिल आखरीन, या अल्लाह बाद के लोगों में मेरा नाम ऊंचा कर दे। अल्लाह ने अपने नबी को बिन मांगे फरमाया वरफअना लक ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी मैंने तेरे नाम को ऊंचा कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की है वजअल लि मिन वरसत जन्नतिन नईम, या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बिन मांगे फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दी। कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है जिससे आपके हौज में पानी आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं वला तुख्ज़िनी यौम युबअथून, या अल्लाह मुझे क़यामत के दिन ज़लील न करना। और अल्लाह ताला अपने नबी को फरमा रहा है यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबी, जिस दिन अल्लाह अपने नबी को जलील नहीं होने देगा। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तौरात लेने, जल्दी भागते हांफते कांपते, जब तौरात जब तूर पे पहुंचे तो सांस चढ़ा हुआ। तो अल्लाह ताला ने पूछा दौड़ के क्यों आए हो, कहा अजिल तो इलाही का रब्बिल तरबा, अल्लाह मैं दौड़ के आया था कि तू राजी हो जाए, ताकि तुम राजी हो जाओ। अब इधर कुछ सुनो, अल्लाह ताला अपने हबीब से कह रहा है वला सौ सही अती तरब का फतर बा, ऐ मेरे हबीब मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। सुनो कुरान पाक में ये आयत आपकी शान में सबसे बुलंद तरीन है। काब कौसैन और अदना से भी ये आयत बुलंद है। वला सौ सही अती तरब का फतर बा, मैं आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। और आपने पता क्या कहा, कहा मैं नहीं राजी होऊंगा जब तक मेरी पूरी जन्नत मेरी पूरी उम्मत जन्नत में न चली जाए। हैं तो हम ऐसे से बेवफाई कर देंगे कि जो कौम नहीं मानती, बिरादरी नहीं मानती, मेरा दिल नहीं चाहता। ये बात तो ठीक है, मेरा दिल नहीं चाहता, अगर टोपी का नहीं पहन तो भी दिल नहीं चाहता। मगर देखो जब नमाज में आते हैं तो शलवारें ऊपर कर लेते हैं, पतलून ऊपर कर लेते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो फिर नीचे कर लेते हैं। ये क्या समझते हैं सिर्फ नमाज का हुक्म है, बाहर का हुक्म कोई नहीं। हालांकि ये आपके नबी की सारी जिंदगी की सुन्नत है कि कभी आपने तखने से नीचे अपने 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 तहमत को अपनी धोती को कभी नहीं जाने दिया। आपने जिंदगी में एक दफा शलवार बांधी है, बाकी हमेशा तहबंद इस्तेमाल फरमाया, चादर इस्तेमाल फरमाई, और हुक्म दिया कि निस जिंदगी तक रखो, अगर नहीं जी चाहता तो तखने तक रखो, और अगर तखने से नीचे ले गए तो जहन्नम में जलाया जाएगा। अब उल्टा हो गया, औरतों ने तखने नंगे करने शुरू कर दिए और मर्दों ने तखने छुपाने शुरू कर दिए, और ये हुजूर के उम्मती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा तीन आदमी ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा। ला यंज़ुरु इलैहिम, अल्लाह उन्हें देखेगा नहीं। ला युज़क्कीहिम, अल्लाह उन्हें पाक नहीं करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा खाबु व खसरु, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। कौन है या रसूल अल्लाह, तो आपने कहा मन्नान, एहसान करके जितलाने वाला, मैंने तेरे साथ ये किया, मैंने तेरे साथ ये किया। अरे मुन से कसल आता उदल हल फिल काजब, झूठी कसम खा के सौदा बेचने वाला। ये पूछो ये सारे बाजारों में कितनी झूठी कसम खाई जा रही है, जब इनको पूछो कि रोजाना अल्लाह के गजब को लेकर घर जाते हैं। वल मुस्तबिल इजारा हो, और अपनी पतलून को शलवार को तहमत को तखने से नीचे ले जाने वाला, इसको अल्लाह क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। अपने अपने हबीब की कदर करो मेरे भाइयों। मस्जिद में आएंगे ये गंदी टोपियां नहीं पड़ी थी मस्जिद में, कौली स्या टूटी फूटी वो उठा के सर पर रखी, अल्लाह अकबर। यही टोपी पहन के किसी दफ्तर में आप जा सकते हैं, ये टोपी पहन के किसी फंक्शन में जा सकते हैं। अल्लाह का दरबार इतना गिरा हुआ दरबार है कि मस्जिद की गंदी टोपियां सर पर रखी हैं, और बाजार में जा रहे हैं तो दम छवर के जा रहे हैं, अल्लाह के पास आ रहे तो मजाक उड़ा रहे, अल्लाह का मजाक उड़ा रहे, जिस टोपी में बदबू आती है वो सर पर रखकर नमाज पढ़ रहे।
तो भाइयों मेरी बहनों, नजात चाहिए तो तरीका मोहम्मदी लेना पड़ेगा। जिसकी अल्लाह तारीफ करे उससे ऊंचा कौन होगा? जिसकी अल्लाह तारीफ करे, जो अल्लाह का महबूब हो, जो अल्लाह का महबूब हो उसका क्या मकाम होगा? حمدنا فتجلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى اقل لك يلا ابا الله تعريف كر اقل نبيك نون والقلم وما يسترون ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك الاجر غير ممنون وانك على خلق عظيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير الاسلام را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما هي اللہ کا قرآن اللہ کے نبی کی تعریف کر رہا مگر ایک چیز ہے سنتی تو ہے کیا کہتے ہیں سنتی تو ہے اچھا جو اللہ کا محبوب ہو اس کی سنت کو کہنا سنتی تو ہے سنت چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں कि एक छोटी सी चीज भी छूट जाए तो क्या होता है? यहां ग्लैंड है जिनको थायराइड कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, इनमें से एक पानी निकलता है सेक्रीशन, उसको थायराइड सेक्रीशन कहते हैं। वो इंसानी जिस्म में कितना होता है? 1 ग्राम। 1 ग्राम के 1000 हिस्से किए जाएं तो वो जो 1/1000 है उसको मिलीग्राम कहते हैं। उसको कहते हैं मिलीग्राम। मिलीग्राम 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा होता है। फिर उस मिलीग्राम के 1000 हिस्से किए जाए तो जो 1/1000 है उसको माइक्रोग्राम कहते हैं। तो माइक्रोग्राम 1 मिलीग्राम का 1/1000 हिस्सा होता है। फिर उस माइक्रोग्राम के 1000 हिस्से किए जाए तो वो जो 1/1000 है वो नैनोग्राम होता है। क्या होता है? नैनोग्राम। तो ग्राम उसका 1000वां हिस्सा, मिलीग्राम उसका 1000वां हिस्सा, माइक्रोग्राम उसका 1000वां हिस्सा, नैनोग्राम। तो ये जो थायराइड सेक्रीशन है ये आपके वजूद में 14 नैनोग्राम है, 14। अगर ये अच्छा इसको देखेगा कौन? ये नजर नहीं आता, ये बड़ी पेचीदा लेबोरेटरी टेस्ट के साथ जाके ये पता चलता है। जैसे एटम नजर नहीं आता, ये भी नजर नहीं आता, लेकिन अगर ये इतना सा मादा ये अगर कम पड़ जाए तो आपकी बिनाई खत्म हो जाएगी। मुमकिन है आपके कान खत्म हो जाए, आपकी आंखें खत्म हो जाए, आपके कान खत्म हो जाए, आपका बोलना खत्म हो जाए। हुआ क्या है? वो ग्राम का मिलीग्राम, मिलीग्राम का माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम का नैनोग्राम, वो 14 नैनोग्राम में से एक जर्रा कम पड़ा तो आंखें चली गई। तो अल्लाह के नबी की सुन्नत छोड़ने से कुछ नहीं होगा। जानवरों की तरह नंगे सर फिर रहा कुछ नहीं होगा। मुंह खोल के औरत बाजारों में फिर रही कुछ नहीं होगा। होगा एक दिन मुकर्रर है जिस दिन होगा। इन यौम अल-फस्ल काना मीकाता, यौम युनफखु फिस्सूर फतअतूना अफवाजा। जब तुम आओगे फौज दर फौज, वफुतिहत अस-समाउ फकानत अबवाबा। जब आसमान के दरवाजे खुलेंगे, वसुनियत अल-जिबालु फकानत सराबा। ये पहाड़ रेत बनेंगे, ये पहाड़ रेत बनेंगे। इन जहन्नम मकानत मिरसादा, वो दोजख आ गई। للطاغين مآبا، اب اور نافرمانوں کو دکھاؤ۔ لا بسین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنا پڑے گا ہمیشہ۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ پانی نہ ٹھنڈک، الا حمیما وغساقا،
गर्म पानी, कांटेदार खाना, जजा अम रफाफा, पूरा पूरा बदला। इन हम कानूला या जू न हिसाबा, इन्हें हिसाब का यकीन नहीं था। वक़्त दबू गए आया कि ना दावा, इन्होंने मुझे झुकलाया। वकुल लशन इन अफसल ना हो किताबा, और हम भी हर चीज लिखते रहे, कान क्या दे सुन रहे, आंखें क्या देख रहे, हाथ क्या पकड़ रहे, लिबास क्या पहना जा रहा है, किसकी नियत से फिरा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, क्या सुना जा रहा है, क्या खाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। वकुल लशन इन अफसल ना हो किताबा, हमने एक एक चीज से लिखा। सजे को फलन नजी रकम इला अजाबा, अब सबको सिवाय अल्लाह के अजाब से बढ़ने से और तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये फैसले का दिन है। लखत वो क्या है? वजाअत सकरतुल मौत बिलहक, ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, वो मौत का झटका आ गया जिससे तू पीछे हटता था। तो फैसले का दिन है, दुनिया में नहीं, आगे है। एक औरत रात सोच के रो रही, एक बैठ के फिल्म देख रही, दोनों को बराबर कर देगा। एक आदमी रात सोच के रो रहा, एक बैठ के शराब पी रहा, दोनों बराबर होंगे। एक हलाल कमाने में बच्चों की दवाई के पैसे जमा कर सकता, और एक हराम के खाने में हर रोज बच्चों के लिए अंडे पराठे का ढेर लगा था, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या ख्याल है, मैं अपने मुजरिम और अपने मानने वाले को बराबर कर दूंगा? मा लकुम कैफ तहकुमून, ये कैसे पागलपन का फैसला है तुम्हारा? अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, ये कौन सी किताब है जिसमें तुमने ये पढ़ा है कि रात का रोने वाला और रात का शराब पीने वाला बराबर हो जाएंगे, रात के कुरान पढ़ने वाली और रात को फिल्म देखने वाली बराबर हो जाएगी? किस किताब में तुमने ये पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। हाँ, ये शैतान का धोखा है। जिनको जन्नत की बशारतें मिल गई, बशारत हजरत अली, अपने हाथ पकड़ा, अली तुझे खुशखबरी हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है। उस अली की सुनो, हजरत जरार कहते हैं, रात को तड़प रहे हैं जैसे मलमल कमलमल सलीम, जैसे सांप का डसा तड़पता है। रजब की बुका अल हजीम, और रोते हैं जैसे गमों का मारा रोता है, और कहते हैं या रब्बना, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। ये वो हाय हाय कर रहा है जिसको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि तेरा घर जन्नत में मेरे घर के सामने है। ये वो हाय हाय कर रहा है। वो उमर जिसकी खिलाफत में आधी दुनिया में इस्लाम फैल गया, वो उमर मौत के वक्त कह रहा है, उमर अल्लाह, अगर तूने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक हो गया। हालांकि नमाज पढ़ाते हुए खंजर लगा, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे तो आपने चंद दिन पहले कहा, लोगो सुन लो, मैं अबू बकर से राजी हूँ, मैं उमर से राजी हूँ, मैं उस्मान से राजी हूँ, मैं अली से राजी हूँ, मैं तलहा से राजी हूँ, मैं जुबैर से राजी हूँ, मैं साद से राजी हूँ, मैं सईद से राजी हूँ, मैं अबू उबैदा से राजी हूँ, मैं अब्दुर्रहमान से राजी हूँ। इनका हक पहचानना। ये वो है जिनको दुनिया से जाते हुए रसूलुल्लाह ने भी कहा कि मैं राजी, और जन्नत की बशारतें मेरी। फिर वो कह रहे हैं, या अल्लाह, अगर तुमने उमर को माफ न किया तो उमर हलाक हो जाए। कि अल्लाह को पहचानते थे। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हर मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पाकीज़ा जिंदगी को सीख, ये तबलीग है, इसको सीखो भाई। सीखने के लिए ये काम हो रहा है कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम इसको सीखते हैं, औरों को दावत देते हैं। औरों को दावत इसलिए है कि हमारा नबी आखिरी नबी है, आपके पास कोई नबी नहीं, तो आपका पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना हमारे जिम्मे है, हमारे जिम्मे है। जब आप पैदा हुए तो हजरत आमना ने आपको गोद में लिया, तो आपने आवाज सुनी हजरत आमना ने, सूफी मशारिक अल अर्द व मगारिबा, इस बच्चे को मशरक मगरब में फहरा दो, ले यार को बिस्मी ही बनाते ही वस्तु रखे ही, ताकि सारे जहान को इसकी जात और सिफात और नाम का पता चल जाए। वह आते हो कुल का आदम व मारफत अशीफ शुजाअत नूह, इसको आदम की मारफत दो अलैहि सलाम, और शुजाअत नूह नूह अलैहि सलाम की बहादुरी दो, और खुल्लत इब्राहिम इब्राहिम अलैहि सलाम की दोस्ती दो, वस्त इस्लाम इस्माइल इस्माइल अलैहि सलाम की कुर्बानी दो, फसाअत सालेह सालेह अलैहि सलाम की फसाहत दो, हिकमत लूत लूत अलैहि सलाम की हिकमत दो, रजा इसहाक इसहाक अलैहि सलाम की रजा दो, बुशरा याकूब याकूब अलैहि सलाम की बशारत दो, जमाल यूसुफ यूसुफ अलैहि सलाम की खूबसूरती दो, और शिद्दत मूसा मूसा अलैहि सलाम की शिद्दत दो, जिहाद यूशा यूशा अलैहि सलाम का जिहाद दो, हुब्ब दानियाल दानियाल अलैहि सलाम की मोहब्बत दो, वकार इलियास इलियास अलैहि सलाम का वकार दो, लहम दाऊद दाऊद अलैहि सलाम की जुबान दो, कल्ब अय्यूब अय्यूब अलैहि सलाम का दिल दो, ताअत यूनुस यूनुस अलैहि सलाम की इताअत दो, इस्मत यहया यहया अलैहि सलाम की पाकदामनी दो, ज़ुहद ईसा ईसा अलैहि सलाम का ज़ुहद दो, व अग़मिसूहु फ़ी अख़लाक़िन नबिय्यीन, और तमाम नबियों के अख़लाक इस बच्चे को दे दो दे दो, सब मिल गया। और फिर ख़त्म-ए-नबूवत भी दे दो, आखिरी नबी ख़ातमुल अंबिया,
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری پادری سے جدا ہوئے, کہنے لگے اب کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا اب دنیا سے اسلام نکل گیا ہے, اب تو آخری نبی کا انتظار کر, وہ کھجوروں والی زمین میں ہجرت کرے گا, وہ ہدیہ کھائے گا صدقہ نہیں کھائے گا, اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی کبوتر کے انڈے کے برابر. حضرت سلمان فارسی پھرتے پھراتے پکڑے گئے, پھر غلام ہو گئے, پھر دکھتے دکھتے مدینے پہنچ گئے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے. اب ان کو خیال آیا کہ وہ پادری نے کہا تھا میں امتحان تو لوں, اب یہ آئے پہلے دن آئے, کہ جناب یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. تو آپ نے آگے بڑھا دیا تھا کھاؤ بھائی, تو دل میں کہنے لگے ہاں یہی اولا یہ پہلی نشانی ہے. پھر دوسرے دن آئے, کہ جناب یہ ہدیے کی کھجوریں ہیں, تو آپ نے خود بھی کھائیں اور کہا آؤ بھائی کھاؤ بھائی, تو کہنے لگے ہاں یہی ثانیہ یہ دوسری نشانی ہے. اب تیسری نشانی تو کمر پر ہے اور وہ کرتا ہے, اب وہ کیسے دیکھوں؟ تو اسی حیرانی پریشانی میں بیٹھے ہیں کہ آپ نے خود فرمایا تیسری بھی بد دکھا دوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.